स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं बेटा क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, उसका वर्कशीट नंबर 38। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि वनस्पति और वन्य जीव के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो कुछ पार्ट हमने कल किया था और कुछ आज की वर्कशीट का देख लेते हैं हम। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया की जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, उसको 5 जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन श्रब्स, जिनको हिंदी में सदाबहार वन बोला जाता है, या वर्षा वाले जो वन है वो बोला जाता है। ट्रॉपिकल डिसीडियस वन कौन से होते हैं बेटा? अब ये होते हैं कि एक पतझड़ वाले जो वन होते हैं ना, पर्णपाती जिनको बोलते हैं, तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। उसके बाद में थ्रोन फॉरेस्ट मतलब कंटीले कांटों वाले जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद में माउंटेन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी, माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन जो होते हैं, पहाड़ों वाले जो होते हैं, जो हिमालय वगैरह में होते हैं। उसके बाद में है मैंग्रोव जो डेल्टाई क्षेत्रों में होते हैं, मैंग्रोव वन, ठीक है। तो ये 5 जो टाइप्स हैं उनके अंदर जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन है उनको जो है डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहाँ पे मिलते हैं हमें? वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में और असम में, ठीक है। यहाँ पे ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ऊपर का रेनफॉल होता है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा आती है वहाँ पे होते हैं ये जो फॉरेस्ट होते हैं। ऐसी वनस्पति या ऐसे जो वेजिटेशन है वो वहाँ पे पाई जाती है। द हाइट ऑफ द दीज ट्रीज 60 मीटर की जो है इनकी हाइट होती है, ठीक है। एवरी टाइप ऑफ वेजिटेशन, जैसे ट्रीज और श्रब्स जो है वो हर तरह के जो पेड़ या जो पौधे हैं या घास फूस है वो यहाँ पे मिलती है। सम ट्रीज जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है यहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं, वो है इबोनी, ठीक है, महोगनी, रोजवुड, रबड़ एंड सिनकोना, ये कुछ मिलते हैं। इसके अलावा जो है एलिफेंट्स, मंकी, लंगूर, डियर एक्सेट्रा जो है यहाँ पे एनिमल्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के अंदर जो है वो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी और बंदर, लंगूर, और इसके अलावा जो हिरन है वो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखो, जो पतझड़ वाले होते हैं, ठीक है, मोस्ट वाइड स्प्रेड होते हैं, काफ़ी सारी जगह पर ये होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, मानसून के आने पे ये दोबारा सही अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। स्प्रेड ओवर द रीजन ऑफ रिसीविंग रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर, जहाँ पे 200 से ऊपर या 200 होती है वहाँ पे आपको मिलते थे ऊपर वाले जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं, या एवरग्रीन फॉरेस्ट। 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर की बारिश जहाँ पे होती है वहाँ पे ये वाले वन जो है देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दिस फॉरेस्ट जो है वो फाउंड कहाँ पे होते हैं? झारखंड में मिलते हैं, वेस्टर्न उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट इज टीक एंड अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंस। एक तो टीक मिलता है वहां पे, एक बैम्बू यानी कि बांस मिलता है, रोजवुड मिलता है, सैंडलवुड यानी कि चंदन, सनफ्लावर, सूरजमुखी, अर्जुन छाल, जिसका आप घरों पे आपकी मम्मी वगैरह को पूछना उनको पता होगा अर्जुन छाल का, और उसके अलावा मलबरी जो है वो मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राई फॉरेस्ट जो होते हैं, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट वो है हमारे पास। ये उन रीजन में मिलते हैं जहाँ पे लेस देन 70 जो सेंटीमीटर है वहाँ की रेनफॉल जो है वो होती है, यानी कि आप बोलो कि जो कंटीले वाले ऊपर जो हमने कंटीले वन किए थे ना, थ्रोन फॉरेस्ट, वो थ्रोन फॉरेस्ट वाले हैं। ये आपको बेसिकली जो है वो मिलेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार के एरियाज के अंदर, ठीक है। द मेन प्लांट स्पीसीज जो यहाँ पे होती है वो होती है अकाशिया, डेट, पाम, या आपकी जो हाउथोन होती है यानी कि जिसको कैक्टस आप बोलते हो, ठीक है, यूरोफिया भी है जो इसके अंदर मिलती है। उसके बाद में माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि जो माउंटेन्स के ऊपर जो मिलते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे मिलते हैं। द ह्यूमिड टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज रेंजिंग बिटवीन 1000 meter to 2000 मीटर की हाइट, यानी कि 1000 से 2000 की मीटर की ऊंचाई के ऊपर जो रीजन्स आते हैं ना वहाँ पे ये मिलते हैं। यहाँ पे प्रीडोमिनेंस ट्रीज कौन कौन से मिलते हैं हमें? ओक मिल जाता है, ठीक है, चेस्टनट मिल जाते हैं। उसके बाद में काफ़ी सारे और ट्रीज मिलते हैं, जैसे पाइन हो गया, केदार हो गया, सिल्वर फर, ठीक है, केदार जो है वो मिलते हैं। जो इनके जो हाइट होती है ट्रीज की वो 1500 से लेकर 3000 मीटर तक की होती है, 1500 से लेकर 3000 मीटर तक की। एट द एल्टीट्यूड्स ऑफ मोर देन 3600 मीटर्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स मेक अ प्लेस इन अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन के अंदर 3600 मीटर तक ये जो है वो पाए जाते हैं। सिल्वर फिर, जूनिपर, पाइन, बिर्च आर द मेन ट्रीज ऑफ द दिस फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर ऑफन फाउंड इन कश्मीर के अंदर मिलते हैं,
स्पोर्टी स्टैग्स मिलते हैं इनके अंदर, ठीक है, स्पोर्टी डियर्स मिलते हैं, वाइल्ड शिप्स जो है वो जो जंगली भेड़े होते हैं वो मिलते हैं, रैबिट्स खरगोश मिलते हैं, तिब्बतियन एंटीलोप मिलते हैं, याक्स मिलते हैं, ठीक है, स्नो लियोपर्ड्स मिलते हैं, स्क्विरल्स मिलते हैं, बियर्स मिलेंगे आपको, आइबेक्स रेड पांडा मिलेंगे, और थिक हेयर शीप्स एंड गॉट मिलेंगे, यानी कि पहाड़ी बकरी और भेड़े जो है वो भी आपको वहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद में हमारे पास है मैंग्रोव फॉरेस्टिस। मैंग्रोव फॉरेस्टिस ऐसे फॉरेस्टिस होते हैं जो कोस्टल एरियाज के अंदर होते हैं, कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के आसपास या बड़ी कोई नदी है उसके आसपास के क्षेत्रों में होते हैं। मड एंड स्लेट आर कलेक्टेड ऑन दीज शोर्स। जब जो मड और जो आप बोलते हो कि स्लेट जो है, जो चीकड़ जो होता है, वो इन शोर्स के ऊपर कलेक्ट हो जाता है। डेंस मैंग्रोव इज अ टाइप ऑफ वेजिटेशन विच द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। पानी के अंदर जो है इनकी रूट्स होती हैं, सबमर्ज्ड होती हैं पानी के अंदर। डेंस जो मैंग्रोव होती हैं वो ऐसी टाइप की वेजिटेशन होती है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और केवा, जो कावेरी रिवर्स है वहां पे। एक सुंदरी ट्री जो है वो मिलता है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंदर, ठीक है, सुंदरबन एरिया जो है उसके अंदर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, टिम्बर का काम जो होता है ना, मतलब लकड़ी को काम जो करते हैं वो। इसके अलावा कोकोनट, पाम, कयोदा, वेनगर ट्रीज जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज अ फेमस एनिमल ऑफ दिस फॉरेस्ट। और यहाँ पे क्या मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो यहाँ पे मिलते हैं, चीते जो होते हैं बंगाल के वो यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 38 क्लास 9 के लिए। उसके बाद में बेटा बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की, वन बाय वन हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हैं और चलते हैं इनके सॉल्यूशन पे। सो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया। तो वेजिटेशन ऑफ इंडिया जिस जो फाइंड जाती है उसको 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसोइडियस फॉरेस्ट, ड्राई डिसोइडियस फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। सो उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द ट्रीज फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन एरिया। तो हमने एरियाज लिख लिए, टाइप्स लिख लिए, ठीक है। उसके अलावा है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इंपॉर्टेंट ट्रीज जो जहाँ पे होते हैं वो इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है दूसरी का इनके हमारे पास, उनके अंदर हमारे पास बैम्बूज, सॉल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन और मलबरी जो है वो पाए जाते हैं। ड्राई डिसिडियस जो फॉरेस्ट है उनके अंदर हमारे पास कैक्टाई, बबूल, कीकर, पाम, कैक्टाई दो बार आ चुके हैं, ठीक है, अकाशिया और काफ़ी सारे ये जो मेन प्लांट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में माउंटेन फॉरेस्ट, इस माउंटेन फॉरेस्ट में हमारे पास पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, सुप्रेस और केदार जो है वो मेन है। मैंग्रोव्स के अंदर हमारे पास टिब्बर या टिम्बर जिसको बोलते हैं टिब्बर, कोकोनट, पाम, कयोदा एंड वेनगर, ये जो हैं पेड़ जो प्रमुख पाए जाते हैं इन जंगलों के अंदर, ठीक है। डिस्क्राइब ब्रीफली द मेजर वेजिटेशन एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया इज बेस्ट ओर्ड विद अ वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फोना ड्यू टू द डाइवर्स जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। द एक्सटेंसिव रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ग्रोज इन इंडिया। तो टाइप्स ऑफ जो वेजिटेशन टाइप्स जो है इंडिया के अंदर, पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड और वेस्टर्न घाट, इन जगहों पर पाए जाते हैं, या जो तराई एरियाज होते हैं हिमालय के उनके अंदर और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है ट्रॉपिकल डिसिडियस जो फॉरेस्ट हैं वो, ये हमारे पास होते हैं हिमालयाज के अंदर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका और महाराष्ट्र, झारखंड के अंदर। ड्राई फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं वो आते हैं हमारे पास सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू, पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, इनमें मिलते हैं। उसके बाद है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो फुट हिल्स जो होते हैं हिमालयाज के, नीलगिरी, अनामलाई तथा पलानी हिल्स जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो हमें मिलते हैं डेल्टाज के ऊपर, जैसे हमारे पास डेल्टा बनता है कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी एंड गंगा इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो है वो एक डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जिसको आप जानते हो, वहाँ पे भी ये जो है वो पाए जाते हैं। हाउ डज मैंग्रोव फॉरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिवेलप इन डेल्टाइक रीजन, डज नॉट कंसर्न विद द रेनफॉल। उन्हें बारिश की चिंता नहीं होगी कि बारिश आएगी तो बढ़ेंगे, ये डेल्टा वाले क्षेत्र में होते, पानी वैसे ही बहुत मिलता है इनको। दे लिव इन अप टू 100 टाइम्स साल्टियर देन दोज मोस्ट अदर प्लांट्स कैन टॉलरेट। 100 गुना ज़्यादा साल्टियर नमकीन पानी के अंदर ये रहते हैं, जितना कि बाकी जो है वो प्लांट्स जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है।
उसके बाद में है हमारे पास हाउ वेजिटेशन इज यूजफुल फॉर अस। तो वेजिटेशन रेगुलेट्स अ फ्लो ऑफ न्यूमरस बायोलॉजिकल साइकिल्स, जैसे आपका कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, इनको रेगुलेट करती है। वेजिटेशन ऑल्सो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए पर्टिकुलरली द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एज एन एनर्जी सोर्स, बट ऑल्सो इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ फूड के, वुड के और फ्यूल और अदर मटीरियल्स की प्रोडक्शन भी यहाँ से होती है। इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, और प्राइमरी सोर्स है ऑक्सीजन को, ये रिलीज करते हैं खुद फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, सो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के आंसर आपके पास। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा बड़ा है भाई, ये यहाँ से देख लें आप इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ओके, ये ओके। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 2 एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। एक चीज़ और करनी है आपने कि क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको, वैसे तो बहुत बड़ा है, पर अगर आपके टीचर्स बोलें कि एग्जांपल्स लिखनी है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के जो एग्जांपल्स है ना वो पेस्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, सो इसके साथ ही हमारी वर्कशीट को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं न्यू वर्कशीट के साथ।